विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे विकास की परियोजनाओं को समय से पूरा कराया जा सके। मंडलायुक्त ने कहा सभी अधिकारियों को भी कोविड-19 से बचाव का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जन को कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक करना होगा। साथ ही सभी अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालयों में उपस्थित हों। उन्होंने मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया 4 लेन सड़क निर्माण के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने मंडल के विभिन्न निर्माण कार्यों की एक एक कर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के अधिकारी भी नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण करते रहें और कार्य में विलम्ब होने की दशा में संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ जिला अधिकारियों एवं उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने नगरों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संबंध में शीघ्र ही प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने कोरोना से बचाव के लिए होने वाले वैक्सीन की तैयारियों के संबंध में कहा कि चारों जनपदों में वैक्सीनेशन के लिए कार्य योजना बनाकर अभी से पूरी तैयारी कर ली जाए, साथ ही वेस्ट मटेरियल के निस्तारण की अच्छी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्वेटर, जूता, मोजा आदि के वितरण की जानकारी ली। उन्होंने उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग, कृषि सहित विभिन्न विभाग की योजनाओं में बैंकों से आ रही कठिनाई को तत्काल निस्तारित कराने के लिए चारों जनपदों के डीएम को निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड के निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी किसानों का क्रेडिट कार्ड बने। बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर के विजेंद्र पांडेयन, देवरिया अमित किशोर, महाराजगंज डॉक्टर उज्जवल कुमार, कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी सहित चारों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी एवं मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। उसके अनुसार 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का विकास कार्य का सबसे पहले उन्हें कोविड हेल्थ का जो मिशन है कोविड हेल्थ आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ जो तो हम डॉक्टर गोस्वामी जी से अनुरोध करेंगे आप आए मतलब जो है इसका आज का जो प्रेजेंटेशन है हमसे सबके निर्देशन में दो भाग में है। थोड़ा सा ब्रीफ प्रेजेंटेशन कोविड हेल्थ पे अपडेट पे है और दूसरा जो मेन प्रेजेंटेशन है चारों जिलों का वो हमारे हिंदी के बराबर है 35% से लगभग चारों डिस्ट्रिक्ट में है होम आइसोलेशन में। लेकिन दूसरी तरफ देवरिया से ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं कि जो यूपी के एवरेज से तो महाराष्ट्र में गोरखपुर में जो केस फर्टिलिटी रेट है 1.6 है और देवरिया 1.4 है यूपी के बराबर। अगर हम लोग सैम्पलिंग की बात करें पर लाख पॉपुलेशन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा सैम्पलिंग कर रहा है जो स्टेट के बराबर है। उसके बाद महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर में सैम्पलिंग में बराबर का थोड़ा गुंजाइश है। गोरखपुर हालांकि पॉजिटिविटी रेट 3.6 है लेकिन वो काफ़ी कम हो गया है 10.8 से धीरे धीरे घटकर भी 4.1 आ गया। अभी हम लोग देवरिया डिस्ट्रिक्ट का अगर देखें मंथली तो ये ग्राफ आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग का कंट्रोल किया धीरे धीरे आ रहा है। नवंबर में पॉजिटिविटी रेट अगर महाबार आप लोग देखें 0.5 था और दिसंबर का महीना में 0.4 है सैम्पलिंग लेकिन नवंबर से लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा हुआ है देवरिया में। अगर वीकली पॉजिटिव केस के लिए अभी इसको देखना बहुत जरूरी हो गया कि हम लोग वीकली केसेस ट्रेंड में आ रहे हैं। लक्की भी यहाँ पे अभी हम लोगों का डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है देवरिया में और इस हफ्ते में बहुत कम रिपोर्ट केस हुआ है। उसी तरह गोरखपुर का बात लेकिन ये हम बोलते हैं और उसको कृपा करके कम ना करें डैम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पर जब आप सेंट्रल देखते हैं चारों जनपदों में ये वो किसी नगर जी आपको तो लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बीआरटी के देखने में और यहाँ पर आपका कहाँ से है सर परसों से यहाँ का हो गया सर बीआरटी हो गया अयोध्या से आप आते जी सर कोई दिक्कत तो नहीं 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 कोई दिक्कत आगे सुन क्या आगे अगर महाबार देखेंगे तो ये पहली बार हुआ है कि लास्ट में जो डिक्लाइन का रेट है वो स्टेट का डिक्लाइन का रेट और हमारा डिक्लाइन का रेट क्या एक जैसा है क्या उसमें डिफरेंस है? सर जो वेस्टर्न यूपी के 4-5 डिस्ट्रिक्ट अगर छोड़ दें जो दिल्ली से सटा हुआ है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अभी रेट था लेकिन दिसंबर में 0.1 है महाराजगंज में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सैम्पलिंग हम लोग चर्चा कर चुके हैं
देवरिया डिस्ट्रिक्ट में सर जो एवरेज दिखा रहा है कि एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि जो एंटीजन भी कम हो रहा है और आरटीपीसीआर भी कम हो रही है ऑन एवरेज, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि देवरिया में थोड़ा जैसे हमने कहा कि आरटीपीसीआर आरटीजन दोनों को टारगेट के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। गोरखपुर टारगेट से ज़्यादा कम गया है, मिनिमम टारगेट मेंटेन किए हुए। हाँ, कुशीनगर में भी जो टारगेट है उसी हिसाब से सैंपलिंग हो रहा है। महाराजगंज में सर आरटीजन थोड़ा और आरटीपीसीआर अगर टारगेट के हिसाब से थोड़ा कम हो रहा है, तो ये रिक्वेस्ट है कि आरटीजन और आरटीपीसीआर कम से कम जितना मिनिमम टारगेट है अपन उतना टेस्ट करें। बेसिकली सैंपलिंग के लिए नियमों से निकलेगा, जिन क्षेत्रों में आपके पॉजिटिव रेट ज़्यादा आ रहे हैं उनको फोकस करते हुए ठीक है। देवरिया और महाराजगंज में थोड़ा सा आरटीपीसीआर कम है, उसको कृपा करके देखिए। सर जो सेकेंड वेव में मतलब कैसे आता है, जहाँ पे अभी हम लोग का क्योंकि पॉजिटिविटी रेट कम है, केसेस कम है, तो केसेस कम मिल रहे हैं, इसको ठीक से अभी मेंटेन कर लेंगे तो कभी भी हम लोग का मतलब सेकेंड वेव तो आए भी नहीं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़, कॉन्टैक्ट एक्टिविटी, कंटेनमेंट एक्टिविटी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्योंकि आपको पता है माइनस वहीं पर है और हम लोग को सैंपलिंग उसी एरिया में करना है। देवरिया सर अभी भी थोड़ा कम हो रहा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, नवंबर का महीना में 9.1 था, इम्प्रूव हुआ है दिसंबर में लेकिन 11.4 है। गोरखपुर में सर अक्टूबर से नवंबर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ था 14, लेकिन दिसंबर का महीना में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुआ है थोड़ा घट के 9.7 हो गया। तो मेरा सर गोरखपुर के टीम से रहेगा डिस्ट्रिक्ट में भी, गोरखपुर में ज़्यादा केस आ रहे हैं अभी अपने पूरे मंडल में, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देना पड़ेगा गोरखपुर में। कुशीनगर में ऑन एवरेज 13% होते हैं और महाराजगंज में 26%